सबको जय यीशु। मेरे लिए क्रूस पर एक आत्मा अंधा दर्शन है, जिसके माध्यम से इस पुण्य सप्ताह में एक व्यक्तिगत आत्मा दर्शन का अवसर प्रदान करता है। इन दिनों में हम ईसा मसीह के दुख भोग मरण पीड़ा सहन और पुनरुत्थान को याद करते हुए उस पर हम मनन चिंतन करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन पर स्मरण के माध्यम से हमें इन दिनों को आशीर्वाद में बदलना है। आप लोगों के लिए अर्पित है मेरे लिए क्रूस पर। सबको जय यीशु। अमर वाणी यूट्यूब चैनल के मेरे लिए क्रूस पर आत्मदर्शन के पवित्र सप्ताह के पवित्र बुधवार के एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, आज संत योहन के सुसमाचार से हमें अवगत कराते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं या हमारे जीवन से हमें यीशु मसीह की महिमा को दर्शाना है या यीशु मसीह की महिमा के लिए हमें हमारे क्रिस्तीय जीवन को यहाँ पर दूसरों के समक्ष या कलीसिया के समक्ष प्रस्तुत करना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज के दिन को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। शहर के कोसों दूर एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसका घर उस गांव जाने वाले रास्ते के किनारे होने के कारण जो कोई उस रास्ते से गुजरता था उनके लिए वह बुजुर्ग व्यक्ति मोमबत्तियां बेचकर अपना जीवन गुजारा करता था, क्योंकि उस रास्ते में बहुत घने अंधेरा रात में हुआ करता था। कई साल गुजर गए, लेकिन आजकल उस व्यक्ति के पास कोई भी मोमबत्तियां खरीदने के लिए नहीं आते हैं। बहुत चिंतित होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति सबों से पूछने लगा, अरे भाई, क्यों आजकल आप मोमबत्तियां खरीदने के लिए नहीं आते हैं? तब एक सज्जन ने उस बुजुर्ग से जवाब देते हैं, आजकल हम उस रास्ते से परिचित हो गया है, उन मोड़ों को उन गड्ढों को हम जानते हैं, इसलिए मोमबत्ती के बिना रोशनी के बिना हम उन गड्ढों को उन मोड़ों को पार कर सकते हैं। आजकल हम कोई रोशनी के बिना अपने जीवन को आगे रख रहा है। ईश्वर के बिना हमारे दिनचर्या में हम व्यस्त हैं। कुछ पाप कर करके आजकल हम पापों को हम पुण्य समझना शुरू करते, देखने के बाद भी एक अनदेखी, सुनने के बाद भी एक अनसुनी। इसलिए आज के इस दिन पवित्र सप्ताह के बुधवार में चंद कुछ घंटों के बाद हम भी गेतसेमनी में यीशु के उस प्राण पीड़ा में भाग लेने वाले हैं। आइए मेरे प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, हमारे क्रिस्तीय जीवन को, मेरा मानुषिक जीवन को आज से हमें ईश्वर की राह पर रखना है। जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं करने के सोच रहा हूं, ये सब मेरे लिए नहीं, मेरी स्वार्थता के लिए नहीं, मेरे महिमा के लिए नहीं, बल्कि मेरे ईश्वर यीशु मसीह के महिमा के लिए। आज से हम यीशु मसीह के साथ क्रूस उड़ाते हुए हमारे निजी जीवन के हर एक पाप मार्गों को
हमारे जीवन के अंधकारमय उस स्थितियों को अलग रखते हुए हम नई राह पर चलने के लिए कोशिश करेंगे। इस चालीसा काल के आखिरी वक्त पर हम यीशु के साथ जुड़कर, यीशु के साथ रहकर इस पुनरुत्थान पर्व में ईश्वर का बहुत सारा कृपा पाने के लिए कोशिश करेंगे। सबको जय यीशु।